नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए नून लीग की तैयारियां जारी। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कारकुनान से खिताब करते हुए कहना है कि जिसने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई उसको वजीर आजम बना दिया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हनीफ अब्बासी बोले कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का मिसाली इस्तकबाल होगा। शेख अरसलान हफीज़ कहते हैं कि तरक्की और खुशहाली का दूसरा नाम नवाज शरीफ है। मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों में तेजी। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन, मुकामी रहनुमाओं समेत कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अहले रावलपिंडी सियासत का इदराक रखते हैं, वोट देना भी आता है और हिसाब लेना भी आता है। जून 21 अक्टूबर का दिन करीब आ रहा है, पाकिस्तानियों की उम्मीद और आरजू के चिराग, उनकी लौ बढ़ती जा रही है। जब भी लोगों ने नवाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया, उनकी जमात ने और उनकी लीडरशिप ने कौम को मायूस नहीं किया। शेख अरसलान हफीज का कहना था कि मुल्क सिर्फ नवाज शरीफ की क्यादत में ही तरक्की कर सकता है। हम सबको मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इस्तकबाल के लिए आज मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एक वो वाहिद लीडरशिप है जो मुल्क की सलामती की अलामत है। कारकुनों से खिताब करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि रावलपिंडी में नून लीग के दौरे हुकूमत में जितने काम हुए इतने दीगर अदवार में भी नहीं हुए। साबका वजीर आजम शहबाज शरीफ के, जिसने रावलपिंडी के ऊपर तरक्की और तामीर और तरक्की के मीनार खड़े कर दिए। कन्वेंशन से दीगर मुकर्रिनीन ने खिताब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा।